बेल ये एक प्रकार का फल है। इसका इस्तेमाल जूस के रूप में किया जाता है और इसे सामान्य रूप से खाया भी जा सकता है। इसे अंग्रेजी भाषा में वुड एप्पल और बिल्व के नाम से भी जाना जाता है। जहां बेल के कई फायदे हैं तो वहां इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने सेहत में इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बेल के जूस का सेवन गर्मियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण इसका उत्पादन व्यावसायिक तौर पर भी किया जाने लगा है। बेल में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है और विटामिन सी का सेवन सिर दर्द की बीमारी को ठीक करने का काम कर सकता है। बेल में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जो मधुमेह और इसके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। बेल को कार्डियो प्रोटेक्टिव का एक बढ़िया स्रोत माना जाता है। ये हृदय को कई बीमारियों से बचाए रखने में काम आ सकता है। इस स्थिति में बेल फल के गुदे को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का सेवन करने से बाल झड़ने की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरन और जिंक की कमी से बाल झड़ने की समस्या होती है और ये दोनों पोषक तत्व बेल फल में पाए जाते हैं। इनके सेवन से बालों के झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है। पीलिया से बचने के लिए भी बेल फल का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि बेल के फल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो लिवर में होने वाली सूजन को कम कर पीलिया के उपचार में मदद कर सकते हैं। कोलेरा जैसी बीमारी से बचने के लिए बेल फल का सेवन बहुत फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल बेल फल में एंटी डायरिया गतिविधि पाई जाती है। अगर इसके जूस का सेवन किया जाए तो बेल फल की एंटी डायरियल गतिविधि कोलेरा की समस्या के दौरान होने वाली डायरिया की शिकायत को कम करने में प्रभावी असर दिखा सकती है। कब्ज की समस्या में भी बेल का सेवन फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा पाई जाती है। क्रूड फाइबर पाचन में मदद करने के साथ कब्ज की समस्या को दूर करने में भी काम आ सकता है। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेल फल खाना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बेल फल में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए का सेवन आँखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं बेल फल से होने वाले नुकसान के बारे में। बेल खाते समय इसके बीज को निकाल लें, नहीं तो इसके बीज गले में फंस सकते हैं। बेल में शुगर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसका अधिक सेवन टाइप 2 डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसके अधिक सेवन से बचें। बेल में फॉस्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। किडनी की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए अधिक फॉस्फोरस नुकसान पहुँचा सकता है। बेल में कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, जिसका अधिक सेवन किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। बेल फल का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में जानने के लिए कमेंट करें तो मैं अलग से इसके उपयोग के बारे में वीडियो बना दूंगा। आज का ये वीडियो अब समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सेहत में इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।